हेलो भाई, अरुण कुमार हीटरी आपका हार्दिक स्वागत करता है। भाई अभी आज मैंने अपने कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऐसे गैजेट्स मंगवाए हैं जो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करने चाहिए। भाई रिव्यू सा एक तरीके से हम शेयर करेंगे हर एक चीज़ का। तो टोटल चार पांच चीज़ें मेरे पास जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। भाई सबसे पहला हमारे पास भाई ये आप देख सकते हो यहाँ पे वायरलेस माउस है डेल की तरफ से। अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग माउस है ना वो मैंने कॉम्बो लिया था नेहरू प्लेस से, आपको पता होगा हमने अपना कंप्यूटर बनवाया था तो वो लैग मारता है GTA 5 वगैरह खेलते हैं ना, तो इसलिए भाई फिर मैंने ये 1500 रुपये का तो कुछ तो है तो फिर मैंने ये मंगवा लिया। मतलब कई जगह पढ़ा तो ये बेस्ट था तो इसलिए आई गॉट दिस। भाई अब जरा गैस करो पहला कौन सा था और अब नया कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पहले बड़ा वाला नया पहले ये था भाई, अब जो मंगवाया ये नया वाला है। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो या हम सेल कहाँ लगेगा लेकिन चलो देखता हूँ। यहाँ से उखड़ के लगे मतलब दोनों डिफरेंट मॉडल नंबर है भाई। ये वाला बड़ा है पता नहीं कैसे लैग करता है, जैसे मैं इसको हिलाता हूँ ना ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें मैंने सेल भी डोरा सेल का डाल लिया इस चक्कर में भाई कि क्या पता सेल की दिक्कत हो तो सेल वेल सब ओके। माउस इनका एकदम परफेक्ट, ये कीबोर्ड एकदम परफेक्ट है, इसकी चिप्स यहाँ पे लग रखी है तो किसी भाई को पता हो तो बताना। तो मैंने सोचा यार इसमें खराब होगा क्या होगा, वारंटी है अभी, लेकिन मैंने ये रिजेक्ट मारते हुए अब इसको हटा के इसको यूज़ करूँगा। तो ये एक नई परचेज मेरी हो गई है, डेल का ही ले लिया क्योंकि मेरे ख्याल से डेल और लॉजिटेक बेस्ट है भाई यार कंप्यूटर अप्लायंसेस के मामले में। तो इसको ट्राई करके देखूंगा ये अच्छा चलेगा तो, इसमें मज़ा आता है खेलने में। भाई मेरा कंप्यूटर देखो जिस भाई ने नहीं देखा, CPU भाई देखो कितना मैंने मस्त बना रखा है ये भाई, बहुत बेस्ट है। कई बार जैसे पावर फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं तो माइक्रोटेक का घटिया सा UPS झेल नहीं पाता वो झटके को, ये बंद हो जाता है, लेकिन आज तक भी इसकी विंडो नहीं उड़ी है। इतना बढ़िया कंप्यूटर है भाई, ये किसी ने तो यूज किया है तन यूज करा होगा मेरे पीछे थे नहीं छोड़ रखो कौन कलाकार है जन पता ना भाई यार। ये जो वाला माउस है सबसे पहले तो मैं माउस को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको हटा मैं देखू एक चीज अगर दोनों माउस हम यूज कर पाए तो। इसको लगाता हूँ लगा दिया मैंने ये ठोक दिया, इसमें माउस और सेल तो नहीं है तो सेल डालना पड़ेगा शायद से। ये देखो इस तरीके से हटती है सेल वेल अगर आपको माउस की वो नहीं है वायरलेस की। अब इसकी कर दूंगा मैं छुट्टी कि भाई तू आराम से रेस्ट कर जब भी तेरे पे बहुत जोर पड़ता था चलने में। ऑन कर दूँ तो तुरंत बत्ती आ गई है, मैं फटाफट से देखता हूँ चल गया भाई। हाँ भाई यार ये मेरा हाथ इतना बड़ा है, देखो मेरे हाथ के हिसाब से बहुत छोटा है यार ये तो, मतलब कंफर्टेबल का तो इसकी क्लिक वगैरह इससे मच बेटर है भाई। क्लिक की साउंड सुनाओ एक बार, इसकी सुनो और इसकी सुनो, देख रहे हो डिफरेंस। तो ये वाला काफ़ी अच्छा है भाई, इसकी अब मैं छुट्टी करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ जो है भाई वो बहुत इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे आप देख सकते हो HD वेब कैम, ये मैंने मंगवाया है Logitech कंपनी का। ये लिया है भाई कई बार ना उसमें से थोड़ी मीटिंग सी मतलब ऐसे ही भाईचारे से मैं लेनी पड़ जाती है, मतलब किसी से वीडियो कॉल वगैरह करनी हो कंप्यूटर में पड़े पड़े तो एक वेब कैम होना चाहिए, तो यार सस्ता सा ही था ये कुछ। तो ये भी मंगवा लिया, इसमें इस तरीके का ये होता है भाई, ये टक जाता है अपने मॉनिटर पे, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये होती है USB A केबल, ये डायरेक्ट कंप्यूटर में प्लग इन कर दो, इसमें वायरलेस वाला सिस्टम नहीं होता। तो ये 720p है, वो उसके लेनोवो वगैरह के मिल रहे थे मेरे को 1080p में, बाकी भी थे पर वो कंपनियों पर इतना ट्रस्ट नहीं है। ये ऐसी है भाई वन टाइम ओनली, तो अपने इसमें अपना कैमरा वैमरा चल जाया करेगा, किसी से वीडियो कॉल करो कुछ भी बात बात कर लो आराम से कंप्यूटर में बैठे बैठे। अब करते इस वेब कैम का वो स्टार्टअप, इससे बोलते हैं शुभ काम स्टार्ट अनबॉक्सिंग। तो अब ये लगेगा कैसे, ये ऐसे चिपकेगा क्या मॉनिटर के में लगते हैं ये ऐसे तो मुझे पता है भाई। यार मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है, हमें तो और कुछ पा नहीं रहा इसका, ये इस तरीके से ही रखा जाता है बस केवल। चलो अब जो भी है अब इसकी थोड़ी वायरिंग को खोल काले वो सीख जाएंगे धीरे धीरे, अब जैसे भी लगेगा आप लोग बताना भाई कैसे लगता है। मैंने तो ऐसे रख दिया भाई ये, ठीक है पीछे सपोर्ट मिल गई इसको मॉनिटर के हिसाब से। तो अब यार लेकिन ये वायरिंग तो बहुत ही गंदी लगेगी इसमें यार, हट छी छी भाई छी, ये तो कितनी गंदी चीज़ है यार। ये वेबकैम वायरलेस नहीं आते क्या भाइयों, मुझे बताना यार किसी भाई को पता हो तो। ले जाके अब इतना क्लीन सेटअप कर रखा था मैंने यार, पीछे से लगा देता हूँ कि कहीं ये किसी USB पोर्ट में मैं पढ़ूँगा। ये लगा दी भाई पीछे USB दे क्या का, पीछे तो गंदा लग रहा हो ना ये तार बहुत ज्यादा। चलो कैमरा खोल के देखूं आयो ना आयो मेरी शक्ल,
अरे वाओ वाओ, आई एम सो ब्यूटीफुल। वाओ, इसमें इसी चीज की कमी थी, इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। वाओ कितना ब्यूटीफुल यार, मैं मतलब मेरी मम्मी ने भी क्या खा के पैदा किया मैं। वाओ सो वंडरफुल, अब देख सकते हो मैं बड़ा भी अपने आप को कर सकता हूँ। देख रहे हो भाइयों, मैजिक यार। अच्छा कैमरा है यार, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब मैं फोटो वोटो भी खींच सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट्स फीचर्स। और जब ये ऑन हो जाता है ना, इसमें हरी बत्ती जल जाती है, और मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा तो ये इस तरीके से बंद हो जाती है। काफ़ी अच्छी है, बस मेरे को ये वायर का कुछ तो देखना पड़ेगा। अब तीसरी चीज जो है भाई, अब ये तो हो गया कि भाई वीडियो वीडियो का हिसाब हो गया हमारा, अब ऑडियो आवाज कहाँ से जाएगी, माइक भी तो चाहिए, हेडफोन भी तो चाहिए। वो और मैंने मंगवाया है स्पेशल JBL का, आप उसकी वीडियो देखिए, वो मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। JBL का प्योर बेस वायरलेस, ऐसे कहने को तो भाई मेरे पास वो भी है एयरपॉड्स प्रो, वो भी एक नहीं दो दो, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये रहे भाई, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता, अरे मत कहना, बस डिब्बी डिब्बी है, देख लो। ये तो वो नकली जो मैंने 2500 रुपये के लिए थे भाई, वहाँ से ईड्रिवल चैनल पे आपने देखा हो पहले बहुत मंदे टाइम में। और ये है भाई ओरिजिनल जो मैं दुबई से लेके आया था। तो ये मेरे पास वैसे हैं भाई दो दो एयरपॉड्स प्रो नकली भी, और ये एकदम असली 25-26 हज़ार रुपये के ये हैं। लेकिन स्टिल स्टिल मतलब आप देखो मैंने ये क्यों मंगवाए होंगे, बिल्कुल पन्नी पैक JBL हरमन के, ये देख सकते हो भाई कितनी MRP है यहाँ पे, 3000 रुपये MRP है, लेकिन ये मेरे को पड़ा है 1500 रुपये का। इसको मैं ज़रा फटाफट से अनबॉक्स करता हूँ। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने आज के दौर में दो दो एयरपोर्ट्स प्रो होते हुए भी ये क्यों मंगवाया, क्यों आजकल भाई ये क्या है, इनका स्टेटस सिंबल है। अब मेरे पास ऐसे ये भी है 13 प्रो, ये जो वीडियो जिसे शूट हो रही है 14 प्रो तो है ही, तो मतलब आईफोन वाईफोन जैसे एप्पल वॉच भी है भाई ये अपने पास, ठीक है, तो एक इकोसिस्टम वाली चीज़ ठीक है, बट इनसे बढ़िया कुछ नहीं लगा भाई मेरे को। ये मेरे पास थे सेम मॉडल आज से करीबन 4-5 साल पहले, इसका मॉडल नंबर है प्योर बेस दो क्यून 215 BT, दिस वन बिल्कुल ब्रांड न्यू टेंटन है। सबसे पहले हमारे पास एक क्विक स्टार्ट गाइड जिसका हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो ईयरफोन्स है ना भाई, ये मेरे को लगते हैं बेस्ट, और एक ही है भाई देख, टाइप सी दे रखा है चार्ज करने के लिए। अब मैंने ये क्यों बोला कि ये मुझे लगते हैं बेस्ट, क्योंकि सबसे पहले इसमें ना तो वो कॉलर बैंड है भाई, ठीक है, उस वो मेरे को इरिटेटिंग लगता है, इसमें पड़ा रहे, इसमें मैग्नेट वैगनेट कुछ नहीं है, मतलब बहुत पहले का मॉडल है ये। आजकल तो लोग यही प्रेफर करते हैं बोट के भी आगे, 1200-1300 रुपये मिल जाते हैं नकली कंपनियों के ओप्पो ओप्पो के, लेकिन मेरे पे तो ओरिजिनल एयरपोर्ट्स हैं ये। अगर आपको विश्वास नहीं होता मतलब क्या ही आप विश्वास कर ही लोगे। तो ये भाई पता मैंने क्यों मंगवाए हैं, जस्ट वन रीज़न है इसका, जैसे मैं आपको ओरिजिनल वाला दिखाऊं। इनमें क्या है, ये जो ये बड्स है ना, ये कान में घुसाने वाला, ये इस तरीके का होता है, या फिर इसको मैं आपको दिखाऊं, इसको देख लो, अब ये वो ना हो जाए बस गलती से असली नकली, ये देखो ऐसे वाले हैं इसमें भाई। ये लगते हैं मुझे इरिटेटिंग, जब मैं इसको कान में ऐसे लगाता हूँ ना, ये देखो ऐसे कान में लगा लिए तो ये पता नहीं ऐसे गिरने के चांस रहते हैं इसको, मतलब मेरे कान के हिसाब से फिट नहीं होता। हालांकि इसमें ईयर ये भी हम बदल सकते हैं ईयरबड्स से, बट मुझे इनसे कभी सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं, ठीक है। और ये जो है भाई इतने बेस्ट है ना, इतने कॉम्पैक्ट हैं, ऐसे कान में आप एक बार लगा लो मजा आ ले, कभी गिर जाए भाई, साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी, इतने कंफर्टेबल। मैं इनको ना ज़्यादा देर तक लगा नहीं पाता, आधा घंटा पौन घंटा इज माई मैक्सिमम लिमिट। ये आराम से इतने स्मूथ है ना, ये पर्टिकुलर ये वाला मॉडल बस ऐसे इस टाइप के शेप में आते ही नहीं है बिल्कुल भी। आप कितने महंगे ट्राई मान लो, इस टाइप के आते ही नहीं है। अच्छा ये मैंने बहुत यूज़ कर रखे हैं, 1 साल तक यूज़ किया था। इनमें एक दिक्कत ये इनका ना, ये जो काला काला सा हिस्सा है ना, ये निकल के भाग जाता है थोड़े टाइम बाद, मुझे पता है इस चीज़ का, बट मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं। एक तो मुझे ये वाले पसंद है, और एक है वो एप्पल का वायर वाला भी मुझे अच्छा लगता है, उसमें लाइटनिंग पोर्ट वाला। बट वायरलेस के ज़माने में अब फ्लाइट फ्लाइट में जैसे जाता हूँ तो वो अड़चता है इधर उधर, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये वाला बेस्ट है, मैंने ये लिया है, अब इससे गाने सुनता हूँ मस्त। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट गैजेट की तरफ। एक चीज़ और बची है भाई कंप्यूटर रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अमेजोन का डिब्बा है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, सीधे 5 पार्ट हो जाएंगे। तो ये तो मैंने ऐसे ही टाइम पास मंगा लिया, ये मेरे को सही सा लगा, वाइट वाइट दीवार पे ये चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पे आप देखो इसमें गुड लिख रहा है, पीछे इसमें वाइब्स लिख रहा है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे भाई क्या है। और ये अमेजोन वाले देखो कैसे रोते रहते हैं, प्लीज़ 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 गिव अस गुड रेटिंग्स। भाई रेटिंगों के लिए इतना केयर होना, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आदमी वैसे ही दे देगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, ये हमारे पास है भाई 3M की कुछ टेप्स जिनसे हम इनको चिपकाएंगे।
3M की टेप इस तरीके से पीछे लगा दी। जगह जगह भाई अब देखना इसको, बाहर तो मैंने घनी लगा दी, हाँ कहीं तो लगा देता हूँ। देख रहे हो भाई कितना तगड़ा लग रहा है, पर इमेजेस में समझ नहीं आता भाई। सही है, इमेजेस में इसे बड़ा बड़ा दिखाते हैं, इसमें बड़ा छोटा सा लग रहा है इससे। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट चीज़ है भाई हमारे पास ये पावर बैंक। अब आप देख रहे हैं ये बहुत मोटा सा पावर बैंक है भाई। ये मैंने कोई महीने भर पहले मंगवाया था, 20,000 mAh का। महीना भर पहले कब मंगवाया है ऐसा? नहीं अभी महीना भर ही हुआ यार। ठीक है, पुराने वाले जो खो गो के बात करें यूं मंगाए हो? हाँ, एक तो भाई मैंने एक दो महीने पहले मंगवाया था, वो पता नहीं खो गया, जन का घर पे ही खो गया, एक दिन यूज नहीं किया था वो खो गो, फिर मैंने यूं मंगवाया है। यू मैंने एक या दो बार यूज करो, सुन तो सही है कि पूरी स्टोरी। संदीप वो मेरी गैल, ठीक है, इतनों कलाक बड़ा फोन में चार्ज तो कभी रहना है, ये चार्ज कर रहा को यहाँ धर रहा को, इतनो हुआ है भाई आकाश रेहड़ी दिख गई खाने की। झट न्यो ना देखो कि भाई मेरे लैब पे कुछ रखो ना रखो, बारिश आ रही हुआ दिन, ठीक है, पानी भर रहा को रोड पे, यहाँ धर रहो झट ऐसा उठ के भगो, और झट एकदम तो यू वहाँ में घेर दिया पानी में। इलेक्ट्रॉनिक चीज बता, पावर बैंक में गटर ना पानी ना भरो रहा रोड के साइड में, बारिश को फुल घनो ही ऊंचे ऊंचे जाम घेर दियो भाई, तब से ना खराब हो गया। मैंने चावलों में रख लिया, धूप में रख लिया, यू खराब हो चली ना रहे हो, बता ना कि चटक गोई हो। भाभी इतना कह रही है हमने यूज करो सही चल रहा है। अरे उन्हें ना बताना यार या कि इन आउट सब खराब हो गए, तो इसलिए भाई मैंने अब वाना खराब कर दिया 2,100-2,200 रुपये को। फिर मैंने अब ये इस बार ये मंगाया यार 10,000 mAh का, इसकी इसको भी मैंने अनबॉक्स कर दिया वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ गई थी किसी काम पे। अब इसमें और इसमें बहुत फर्क है भाई फीचर्स के मामले में ना। ये मैंने इसलिए मंगवाया 10,000 क्योंकि ये बहुत भारी हो जाता है, तो हैंडी सा नहीं रहता, ये थोड़ा हैंडी रहता है इसलिए मैंने मंगवाया। अब इसमें एक चीज़ आप गौर करो, है तो दोनों में सिमिलरली चीज़ें, दो पोर्ट हैं अपने आउट यूएसबी टाइप ए। चलो मिनट कट करो, तो भाई इसमें ये वाला बहुत अच्छा है फंक्शनलिटी के मामले में ना। इसमें देखो टाइप सी से आप चार्ज भी कर सकते हो, सारे पोर्ट से मतलब आप आउट भी ले सकते हो, और इनके लिए दोनों ये हैं। इसमें क्या है, ये दोनों आपके फ़ोन को चार्ज करेंगे और इन दो से ही खुद चार्ज होता है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें बटन दबाना पड़ता है ऑन करने के लिए, मतलब ये वाला अच्छा है, लेकिन अब कहा कह रहे भाई ये नसीब में कई बार थे, कभी ख़राब हो जाए कभी खो जाए, तो मैंने इस बार तो इसको त्याग के मैंने 10,000 mAh के, थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, प्लस थोड़ा हैंडी है, देख लो कितना पतला सा है। और MI के पावर बैंक बेस्ट है भाई, मैं 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एक इससे पहले मैंने वाइट कलर का था 20,000 mAh का, आज भी चल रहा है, पर उसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैंने फिर ये प्रेफर करा नया ले लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ की बैटरी ओवर द टाइम थोड़ी हल्की सी वीक ही पड़ जाती है। पर ठीक है भाई, पर ये फ़ोन को मान लो आपका आईफोन 0% है तो बस केवल 2 बार चार्ज करता है 100%, ये 7 बार चार्ज करता है, तो इतना फ़र्क है। मुझे इतना कुछ खास ना लगा, मैं आपसे कहूँगा भाई 20,000 वाला लो एक बारी में, सबसे बेस्ट रहता है। हैंडी का तो क्या ही है, फास्ट चार्जर होते हैं, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, तो तुरंत चार्ज कर देता है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है ज़िंदगी में थोड़ी सी उठाने की, बाकी तो ठीक है भाई 20,000 mAh का लो सबसे बढ़िया रहेगा, ये जल्दी डाउन हो जाता है, प्लस फीचर्स भी कम है, तो इतना कुछ खास। 1300-1400 का तो ये भी है, और ये 2100-2200 का, तो 700-800 रुपये का फ़र्क है मात्र, तो ये वाला लीजिए ना कि ये। एक और चीज़ भाई जो मैंने ऑर्डर करी है, अब इन सब चीज़ों से हटके, ये तो चलो पैसे खर्च करने वाली चीज़ है, अब मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग के लिए थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हैं, वो आप देख सकते हो, ये बुक्स है भाई जनरल नॉलेज की, तो मैंने सोचा थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ाई करेंगे भाई, थोड़ी GK वगैरह आनी चाहिए। इसमें दो बुक मंगवाई मैंने, एक जनरल नॉलेज 2024 ये छोटी वाली, इसके पेज बहुत घटे क्योंकि ये थोड़ी फ्री थी, लेकिन नॉलेज के लिए अच्छी है भाई, गुजरात गुजरात सारी चीज़ें। और एक ये है दूसरी ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज, ये इस तरीके से आप बड़ा इसमें अपना ज्ञान ले सकते हो, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल इस देश दुनिया में नॉलेज ही है। तो अब इसमें बैठ के भाई गेम कम खेला करेंगे GTA 5, ये तो चलो भारी वैसी चीज़ें हो गई, अब थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे और कुछ बनेंगे IAS IPS। चलो भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।